आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पाइसी टेस्टी कच्ची केले की सब्जी, जिसे हांडी केला भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो इजीली अवेलेबल होंगे। तो चलिए इसे बनाने की प्रोसेस को देखते हैं। इस स्टेप में हम कच्चे केलों को प्रिपेयर करेंगे। उसे हमें पतला पतला काट लेना है। फिर उसमें हम 2 बड़े चम्मच मैदा मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, हल्दी मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें सारा पेस्ट अच्छे से चिपक ना जाए। इसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि केलों में अपने ही बहुत मॉइस्चर होती है, पानी डालने से ये बहुत ही गीला हो जाएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम 1 चुटकी हींग डाल करके फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे केले बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार दिख रहे हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे और इन केलों को फ्राई कर लेंगे। इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी और एकदम ब्राउन ना हो जाए। इन्हें हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। फिर जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाए इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी केलों को भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद चाहिए हमें 2 से 3 मिर्च, कद्दूकस किए हुए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा कटा टमाटर, 1 छोटा कटा प्याज, दही और कड़ी पत्ता। तो चलिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स की मदद से हम प्रिपेयर करते हैं अपने सब्जी की ग्रेवी। तो एक मिट्टी के बर्तन में हमें 2 से 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालकर उसे गरम कर लेना है। फिर उसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, जीरा और दालचीनी डाल करके उसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। जब ये सभी खड़े मसाले अच्छे से भुन जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे अपने कद्दूकस किए हुए और कटे हुए प्याज और इसे अच्छे से हम भुन लेंगे। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब ये थोड़े ब्राउन होने लगे तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट और अपनी हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के इसे हम एक बार और मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन उठाकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि हम देख सकें कि ये मसाला भुन चुका है या नहीं। मसाले भुनने के बाद इसमें हम अपने सूखे मसाले डालेंगे, जैसे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी कटोरी पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मसालों को भून लेंगे। इसे हमें कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि ये मसाले नीचे से पकड़े ना और ना ही जले। जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगे तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही।
दही डालने के बाद इसे हम अच्छे से एक बार और फिर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट ढककर छोड़ देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद इसमें हम अपने फ्राई किए हुए केले को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे मसाले केलों में अच्छे से लग जाए तब इसे हम 5 से 6 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें 200 से 300 ml पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए फिर इसको हम फिर से 5 से 6 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। ढककर छोड़ने के बाद जब इसमें उबाल आने लगे तो हम इसे बिना ढके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे सर्व करने के लिए एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे और धनिया के साथ गार्निश करेंगे। जैसे कि ये सब्ज़ी का कलर आया है उसी तरह इसका स्वाद भी। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। गरम गरम खाने में तो ये और भी यम्मी लग रहा है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।